हे गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं बची हुई रोटी से टिक्की। बहुत ही आसान है और टेस्टी भी लगती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आमतौर पे तो घर में बासी रोटी कभी कभी बच जाती है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। टेस्टी तो लगेगी ही, साथ में लगेगा भी नहीं कि ये बासी रोटी से बना हुआ है। तो चलिए बासी रोटी को हम मिक्सी में से बारीक पेस्ट बना लेंगे, फाइन पाउडर जैसा। देखिए 2 से 3 प्याज, धनिया पत्ता, और आप अपने टेस्ट के अनुसार टोमेटो भी ले सकते हैं, 2 से 3 टोमेटो ले सकते हैं। चलिए प्याज को हम बारीक काट लेंगे और धनिया पत्ता को भी। ये देखिए इस तरह से बारीक मिक्सी में कर लिया है और प्याज को बारीक काट लिया है और धनिया पत्ते को। अब ये दोनों चीजों को इसमें डालना है और कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। और एक तरफ कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दीजिए। ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसकी टिक्किया बनाते हैं। ये देखिए अब स्वाद अनुसार नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी रोटी में नमक होता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, कम ज्यादा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी ज्यादा नहीं डालना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हल्का सा पानी डालेंगे हम इसमें। इतना पानी डालेंगे कि इसका इस तरह से बनना चाहिए। अब और पानी ऐड करेंगे। हमारी टिक्की अब इसे हम तलेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें एक एक करके डालेंगे। पांच ही डालिए उसमें, आंच को कम ही रखना है ताकि अंदर से वो पक जाए। हल्का सा ब्राउन होने तक इसे तलेंगे। गाइस हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ले लीजिए, रेडी है हमारी टिक्की। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं।